हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी फॉर ड्रीम चैनल। माय नेम इज प्रिंस पाठक। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में दोस्तों, जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उसी के जस्ट बगल में नीचे एक बेल का सिंबल होगा, जिस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। दोस्तों, इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जो अमेजिंग है। दोस्तों, मैं बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हर पार्ट में वर्ल्ड की एक अमेजिंग वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे देख करके आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको फन भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज के वीडियो में जिस वेबसाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ, उस वेबसाइट का नाम है internetmap.net। इसे आप अपने एड्रेस बार पे लिख लीजिए। इसकी मैं जो डायरेक्ट लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, एड्रेस बार पे मैंने इस साइट को लिख लिया है। हाँ, देखिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है और उसके बाद में आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। बेसिकली दोस्तों, मैप होता क्या है? मैप बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज का। मींस अगर आप बात करें किसी कंट्री के मैप की बात करें तो वो शो करता है वहां के स्टेट्स को, सिटीज को। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप की तो वो शो करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को। तो उसी प्रकार दोस्तों, इंटरनेट मैप जो एक वेबसाइट है, ये शो करती है वर्ल्ड की सभी रनिंग वेबसाइट को। यहाँ आप दुनिया की सभी वेबसाइट को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, जो डॉट्स हैं, जो सर्कल्स हैं, वो दुनिया की सभी रनिंग वेबसाइट हैं। इसमें जो इनका साइज आप देख रहे हैं, ये उनकी पॉपुलरिटी और उनकी रैंकिंग के बेस पे उन्हें दी गई है। आप यहां दोस्तों जो फाइंड दिया है, यहां पे किसी साइट का एड्रेस डाल करके उस साइट को फाइंड कर सकते हैं कि उसकी ग्लोबल रैंक क्या है। आप कंट्री के नेम को भी डाल के सर्च कर सकते हैं कि वहां कौन कौन सी वेबसाइट रन हो रही है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी वेबसाइट है उस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज की जाती है। और यहाँ जो डॉट्स देख रहे हैं वो भी वेबसाइट है, बट उनकी पॉपुलरिटी बहुत ही ज्यादा कम है। चलिए दोस्तों, इस वेबसाइट के बारे में हम लोग कुछ और देखते हैं। दोस्तों, इन सभी जो सर्कल्स हैं, इसमें सबसे बड़ी सर्कल्स ये है। इस सर्किल पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या शो होता है। देखिए दोस्तों, इसने शो कर दिया ये google.com है। आप सभी लोग को पता होगा गूगल बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में यूज होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी ग्लोबल रैंक 1 है फ्रेंड्स। और इस पे जो ट्रैफिक आती है वो 43.445%। मींस आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा पॉपुलर है। इसी प्रकार दोस्तों, हम लोग कुछ और सर्किल्स पे देखते हैं। ये देखिए, इससे सर्किल थोड़ी छोटी है। चलिए ये देख लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट है। इस पे क्लिक करते हैं, हम लोगों ने देखा दोस्तों ये facebook.com है और इसकी ग्लोबल रैंक 3 है। आप सभी दोस्तों लोग ये जानते हैं कि facebook.com बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत से लोग इससे जुड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और वेबसाइटों के बारे में देख करके पता लगाते हैं कि उनकी रैंक क्या है और वो किस टाइप की वेबसाइट्स है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं एक सर्किल, चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है। ये देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है yahoo.com। इसकी जो रैंक है ये 5 है ग्लोबल रैंक। और यहाँ पे देखिए 9.585% इस पे ट्रैफिक आता है इंटरनेट यूजर्स की। तो दोस्तों, आप लोग इससे बहुत ही अच्छे से किसी वेबसाइट की रैंक देख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, ये देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा है इस साइट का, ये भी देख सकते हैं आप। और दोस्तों, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरी साइटों से कि वो कितनी पॉपुलर है। बहुत ही अच्छी अमेजिंग वेबसाइट है। इसके जो ओनर होंगे इस वेबसाइट के, उनका क्या कॉन्सेप्ट होगा जिन्होंने इस वेबसाइट को डेवलप किया। इसलिए ये वेबसाइट एक बहुत ही यूजफुल है सभी वेबसाइट की रैंकिंग को चेक करने के लिए और अपने सामने एक साथ देखने के लिए।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग जूम करते हैं और कुछ नया देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसे जूम कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे google.com, facebook.com और yahoo.com लिख कर भी आ गया है। ये सब जो आप बड़ी सर्कल देख रहे हैं दोस्तों, ये सब बड़ी वेबसाइट हैं जिनकी पॉपुलरिटी बहुत ही ज़्यादा है, इस पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा आती है। आप यहाँ देख सकते हैं google.com और facebook.com लमसम इक्विवेलेंट ही है। आप यहाँ देख सकते हैं yahoo.com और youtube.com, ये भी लमसम एक समान ही है। आप यहाँ देखिए दोस्तों, live.com है। अगर आप चेक करना चाहें कि google.com और live.com में कौन ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप सिंपल से देख के बता सकते हैं google.com ज़्यादा पॉपुलर है live.com से। इस प्रकार दोस्तों, आप छोटी सी छोटी साइट को, यहाँ जो डॉट्स हैं, ये सभी वर्ड की रनिंग वेबसाइट है। आप ऐसे क्लिक करके सभी वेबसाइटों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और वेबसाइटों को हम लोग देखते हैं, कुछ और हम लोग ने जूम कर लिया। ये देखिए दोस्तों, wikipedia.com है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये भी वेबसाइट है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं wikipedia.org जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इस पर भी ट्रैफिक आता है। ऐसे ही सेम दोस्तों twitter.com है, जो अक्सर पॉलिटिशियंस या आप एक्टर्स की तरह देखते होंगे, बहुत यूज की जाती है, तो इस पर भी काफ़ी सारे ट्रैफिक पे पर डे आता है दोस्तों। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है, अगर आप देखना चाहें। ये देखिए google.de लिखा है। ये वेबसाइट बेसिकली जर्मनी में रन होती है, तो ये गूगल का ही एक वर्जन है जो स्पेसिफिक कंट्री में। ये वेबसाइट दोस्तों, जैसे हमारे इंडिया में google.co.in होती है, वैसे ही जर्मनी में google.de है। अगर आप दोस्तों देखें, ये google.com है और ये google.de है। दोनों में दोस्तों कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि google.com जो कि ग्लोबल है, इसकी पॉपुलरिटी google.de से कितनी ज़्यादा है, मीन्स ये उससे कितनी ज़्यादा बड़ी है। इसी प्रकार दोस्तों, आप इस पे जा करके दुनिया की सभी वेबसाइटों को चेक कर सकते, सभी जो आप जो डॉट बने हुए हैं, सर्कल बने हैं, इस पे क्लिक करके आप सभी वेबसाइटों के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट रन हो रही है। और अगर आप स्पेसिफिक वेबसाइट चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ फाइंड है, इसमें उसकी लिंक डाल करके आप उसे भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोग के नॉलेज के लिए बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये सभी तक पहुँचे। आप दोस्त अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज़ दोस्तों, इस जो वीडियो को मैंने बनाया है, इसे एक लाइक दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी इस अमेजिंग वेबसाइट के बारे में पता चल सके। दोस्तों, अगला जो मैं पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं एक नई अमेजिंग वेबसाइट के सामने, आप लोग के सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।